नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का जहानाबाद दौरा था। मुख्य कार्यक्रम के रूप में घोसी में बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति का अनावरण था, तो वहीं हाटी में स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार टंटन के यहाँ कार्यकर्ताओं का संबोधन था। इस बीच उन्होंने संबोधित करते करते एक घोषणा भी कर दिया और आश्वासन भी दिया है कि हम हाटी में वेलनेस सेंटर की स्थापना मुख्यमंत्री से कहकर कराएंगे। हम इसी पर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से इनका जो है यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कैसे यह जो वेलनेस सेंटर की स्थापना के लिए क्या कदम उठाएंगे। सर, बताया जाए सर, क्या कार्यक्रम है? देखिए, कार्यक्रम जो है पहले से लगा हुआ है। बिहार का दूसरे चरण का मेरा दौरा कार्यक्रम स्टार्ट है। इसमें जहानाबाद के जनता दल यूनाइटेड के जिला कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए हम आए हुए हैं और यहाँ हम लोगों से इसी क्रम में हाटी गांव में आए हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वर्ण प्रकोष्ठ के नीतीश टंटन जी के यहाँ आए हैं। यहाँ के लोगों से रूबरू होने के लिए आए हैं, फीडबैक जानने के लिए आए हैं कि इनके लोगों के बीच में क्या भावनाएं हैं, हमारे दल के प्रति क्या सोचते हैं, हमारी जो निचली इकाई के जो संगठन हैं कैसे मजबूत हो, धारदार हो, इस पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं, उनकी भावनाओं के कार्यकर्ताओं को भावना को जानने के लिए आए। धन्यवाद। सर, जो 260 वेलनेस सेंटर की घोषणा हुई है और ये मिला है, स्वीकृति मिला है, उसमें से 79 वेलनेस सेंटर जहानाबाद में ही मिला है, सर इसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, तो जहाँ सरकार चाहती है हम लोग, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग काम करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का डिमांड है, हम लोग उसको देखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से बात करके इसको करवाएंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ उमेश कुशवाहा थे, इनका साफ कहना है और उनका जो मुख्य वजह है कि जहानाबाद पर फोकस करना, जहानाबाद के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, इसी के मद्देनज़र यहाँ 79 वेलनेस सेंटर की स्थापना करना है। हाटी में भी वेलनेस सेंटर की स्थापना होगी, ऐसा नीतीश कुमार टंटन के आह्वान पर किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव सेवन।